पता है जो मैटर हुआ था ना, वो मैटर ऐसा था कि सामने वाले ने बोला था कि क्या भाई तू कॉल करके मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है वैसा कुछ बोल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा आज से 3 साल पहले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड ये वाली कंट्रोवर्सी सभी कंट्रोवर्सी से काफी ज्यादा बड़ी थी और ये काफी लंबे समय तक भी चली थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एलविश यादव ने की थी एंड इसका दी एंड कैरी मिनाटी ने किया था। और जब कैरी मिनाटी ने टीम 07 के ऊपर रोस्टिंग वीडियो निकाला था तब टीम 07 ने कैरी मिनाटी को धमकी भी दिया था। एंड उस टाइम पर अदनान और फैजू का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जहां पर वो कैरी मिनाटी को धमकी वगैरह दे रहे थे। सो गाइस, फैजू ने फाइनली इतने सालों बाद इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिप्लाई किया है कि जो उस टाइम पर कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरी नहीं थी, फेक थी। एंड फैजू ने वहां पर इनडायरेक्ट वे में कैरी मिनाटी को रिप्लाई करते हुए और क्या क्या कहा अपने पॉडकास्ट के अंदर आप लोग खुद देखिए। पता है जो मैटर हुआ था ना, वो मैटर ऐसा था कि सामने वाले ने बोला था कि क्या भाई तू कॉल करके मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है वैसा कुछ बोल रहा है, जो कि मैंने किसी को कभी कॉल ही नहीं किया। मैं आज इसलिए इतना बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि उस बंदे को ये बात पता चले के मैंने वो चीज नहीं बोला था, ना मैंने कोई कॉल किया था, तो मेरा कॉल नहीं था। ये एक खाली इतने बड़े एक बड़े यूट्यूबर ने इतने से सेगमेंट में डाला था, क्या भाई फैजू कहीं गुंडा है तू, ऐसा वैसा कुछ तो भी बोला, सिर्फ इतना सा मेरे को बोला था। वो पूरे वीडियो में लोगों ने सिर्फ मुझे ही टारगेट किया था क्योंकि मैं वो टाइम पे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोज में अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद में मैंने ये चीज नोटिस किया कि यार मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया था। करेक्ट। और फिर उसके बाद में मैंने ये स्टेप लिया कि यार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इग्नोर करूं और जो लोग मुझे हेट कर रहे हैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूं और इतनी मेहनत करूं कि आगे चल के वो मुझे प्यार। तो बाकी यहाँ पर आप लोग कैरी मिनाटी और फैजू के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप किसके ज्यादा बड़े फैन हो, अपने पे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस आज के लिए बस इतना अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।